तो मैं अपनी अक्सर वीडियोस में आप लोगों को पीटीए के टैक्सेस के बारे में इन्फॉर्मेशन और जो नई अपडेट आती है वो देता रहता हूँ। और आजकल जो पीटीए का टैक्स चल रहा है जो रिसेंट अपडेट के बाद, वो इतना ज़्यादा है कि मैं आपको किसी तरह भी रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप ऑफिशियली पीटीए अप्रूव करवाएं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली मैंने आईफोन 13 मिनी लिया जो कि मुझे 130 के आसपास कॉस्ट किया, और उसके जो पीटीए टैक्स है तकरीबन, अगर मैं भी करवाना चाहता हूँ, सो वो 85,000 है। सो वो बिल्कुल समझ में ना आने वाली चीज़ है। और इसके अलावा काफ़ी सारे एंड्रॉयड्स हैं लाइक पिक्सल, जो कि आप में से अक्सर लोग लेते हैं, और उसका जो पीटीए टैक्स है उस फोन की प्राइस से भी डबल ट्रिपल होता है। सो वो किसी तरह से भी मैं आपको उसको ऑफिशियली पीटीए अप्रूव करवाने के रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, क्योंकि रेट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सो इसी से रिलेटेड आप से अक्सर लोग मुझसे इस फोन के बारे में पूछते हैं, जेस डिजिट 4G के बारे में, क्योंकि ये फोन इसी टाइम में आई है और इसका जो मेन पर्पज यही है कि इसमें आप अपनी सिम डाल के अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट और बाकी जो वाईफाई वाली फैसिलिटेशन है वो दे सकते हैं, 4G यूज़ कर सकते हैं। सो ये फ़ोन मैंने आईफोन 13 मिनी लेने के बाद बाय किया और इसे हफ्ता डेढ़ हो गया मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो आज की वीडियो में आपको इसका कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए, इसमें क्या कॉन्स हैं, क्या प्रोज हैं, सो उस पर डिटेल में बात करेंगे। सो बगैर भी टाइम ज़ाया किए हुए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। सो यहाँ पर फ़ोन पहले से ही बॉक्स से निकला हुआ पड़ा है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। सो उस पर हम बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा सा इसका बॉक्स देख लेते हैं। सो बॉक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाइट कलर में आपको इसका बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पर जैज और डिजिट की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। अब ये जो मॉडल है ये जैज डिजिट 4G क्राउन है, ये आई थिंक इनका बेसिक मॉडल है। इसमें कुछ पावर और इस तरह के नाम से कुछ और डिवाइसेस भी आती हैं जिसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं लाइक टच स्क्रीन वगैरह। अब इस मॉडल में ये टच स्क्रीन का फीचर आपको नहीं मिलता। बाकी जो इसके कुछ हाइलाइटेड फीचर हैं वो यहाँ पर आपको फ्रंट पे मेंशन आपको मिल जाते हैं। डुअल सिम 4G है ये डिवाइस। बाकी ये ऐप्स हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग, इसमें फ्रंट पे यहाँ पर आपको एक फ्रंट कैमरा भी मिलता है जिसकी वजह से आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ इसके मजीद फीचर्स जैसा कि डिजिट OS, 1900 mAh की बैटरी, 4GB 512 MB की रैम एंड स्टोरेज, इसके अलावा 4G LTE, ये इसका प्रोसेसर का नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2.4 inches की स्क्रीन है और एक स्मार्ट कैमरा है, और यहाँ पर हॉटस्पॉट और सुपर लॉन्ग बैटरी लाइफ और व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के अगेन आपको फीचर्स मिल जाते हैं। अब ओपन करते हैं ज़रा सा हम बॉक्स को और देखते हैं कि बॉक्स में हमें मज़ीद क्या मिलता है। बाकी फ़ोन तो ऑलरेडी बॉक्स से बाहर है, उसे हम थोड़ी देर तक देखते हैं। बॉक्स में ये है कि यहाँ पर आपको आपका फ़ोन मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा इसके साथ आपको ये हैंड फ्री मिल जाते हैं, ब्लैक कलर में हैं, और इसमें आपकी ये बैटरी आती है फ़ोन की, ठीक है। ये इसका वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसके यहाँ पर साथ में चार्जर भी दिया गया है, चार्जर का वही माइक्रो USB वाला आपको मिल जाता है। बाकी ये कुछ बॉक्स कंटेंट है। बात करते हैं हम अपने फ़ोन की। सो फ़ोन यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में ये डिवाइस है, प्लास्टिक दिल है इस डिवाइस की, और साइज़ बहुत ही छोटा है। साइज़ इसका काफ़ी कॉम्पैक्ट है और मतलब इन हैंड फील इसकी अच्छी है। बाकी फ्रंट पे आपको कीपैड इसका मिल जाता है, ठीक है, और ये 2.7 inches की स्क्रीन आपको मिल जाती है। डिजिट 4G की ब्रांडिंग यहाँ ऊपर आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है, बैक पे भी एक छोटा सा कैमरा मिल जाता है। बाकी अगर हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इसका आप ये कुछ देख सकते हैं, ये कुछ एंड्रॉयड टाइप इसका सॉफ्टवेयर है। डिजिट OS का इसे नाम दिया गया है, ये इनका अपना कोई मॉडिफाइड किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसमें कुछ चीज़ें आपको लगती हैं जैसा कि एंड्रॉयड की हैं। अब बात करें इस फ़ोन के रिव्यू की, सो कुछ जो चीज़ें हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस फ़ोन में डुअल सिम 4G है, लेकिन जो पहली सिम है सिम 1, उसमें सिर्फ आप जैस की सिम यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जैस की नहीं है, सो मैं सिम 2 में जोंग की यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम 2 में जोंग का 4G यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर जो इसकी नेटवर्क सिलेक्शन है उसकी अगर बात करें, सो आपको यहाँ पर तमाम ही आपको मिल जाते हैं लाइक 4G 3G एंड ये तमाम ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। और अगर नेटवर्क या सर्विस की बात करूँ, सो सर्विस की स्पीड इसकी बहुत अच्छी है। मैं एक हफ़्ता डेढ़ जैसा मैं बता चुका हूँ कर रहा हूँ, और मेरा दूसरा फ़ोन नॉन PTA है, सो मेरी सिम इसमें ही है, डाटा मैं इससे यूज़ कर रहा हूँ जब भी बाहर जाता हूँ। सो नेटवर्क में मुझे एज सच कोई ज़रा सा भी इशू देखने को नहीं मिला। इसके अलावा यहाँ पर आपको हॉटस्पॉट मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं हॉटस्पॉट इसका, और यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं। सो इसका हॉटस्पॉट भी ऑन हो जाता है, और कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, कनेक्टिविटी में आपको एज सच कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा।
और अगर कॉलिंग की बात करें सो कॉलिंग की क्वालिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है और स्पीकर्स की भी क्वालिटी अच्छी है। सो ओवरऑल अगर आपने वो नॉन पीटीए यूज़र होने की नस्बत से इस फ़ोन को लेना है सो उसके लिए बिल्कुल ठीक है। आप सिम डाल के इसको हॉटस्पॉट कर सकते हैं और आपको ईजिली ये आपको जो इंटरनेट है आपकी दूसरी डिवाइस में प्रोवाइड करेगा। एक चीज़ यहाँ पर जो इसके साथ में मेंशन करना चाहूँगा वो इसकी बैटरी है। बैटरी यहाँ पर आपको इसकी पैकेजिंग के ऊपर तो सुपर लॉन्ग दिखाई जाती है लेकिन बैटरी इतनी ज़्यादा इसकी इंटरेस्टिंग नहीं है। हो सकता है इसकी वजह ये है कि ये छोटा मॉडल है, क्राउन मॉडल है, इसमें आप अगर पावर की तरफ जाते हैं सो मे बी उसमें आपको थोड़ी अच्छी बैटरी मिले, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है इस डिवाइस के साथ, मैं इसे 100 करता हूँ सो तकरीबन अगर आप इसका डेटा और हॉटस्पॉट ऑन रखते हैं सो तकरीबन ये आपको 5 घंटे का बैकअप देगी ये डिवाइस। तो 5 घंटे बाद ये है कि आपको इसे दोबारा चार्ज करना होगा और हीटअप भी होता है थोड़ा थोड़ा ये डिवाइस, क्योंकि नो डाउट इस पे डेटा वगैरह चल रहा होता है वो तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा है, लेकिन बैटरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितना कि आपको बॉक्स के ऊपर बताया जाता है कि सुपर लॉन्ग बैटरी लाइफ है। सो तकरीबन 5 घंटे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस डिवाइस से बैटरी बैकअप। ठीक है, अब बाकी बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स की। सो कॉन इस डिवाइस का मुझे एक जो सबसे बड़ा लगा है वो इसके ऊपर टाइपिंग का है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही या क्या इशू है, लेकिन यहाँ पर जो मेन इशू हो रहा है वो इसकी टाइपिंग का हो रहा है। अब जैसा कि मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर जैसे टाइप कर लेता हूँ, जैसा कि हम यहाँ पर मैसेज में चले जाते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक मैसेज राइट करता हूँ, ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ, नंबर ये मैंने सेलेक्ट कर दिया एक, नीचे हम आ जाते हैं मैसेजेस में। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आप किसी तरह से भी कुछ चीज़ टाइप नहीं कर सकते, ये सिर्फ इसका जो है ये नंबर्स ही टाइप कर रहा है, कोई किसी किस्म का ये मैसेज नहीं टाइप कर रहा। मतलब कि यहाँ पर आपको कीपैड पे लिखा हुआ तो मिलता है जो पुराने फ़ोन्स में होता था, ए बी सी डी या अलिफ बे, लेकिन ये टाइप नहीं हो रहा किसी भी तरह से। मैंने इसको काफ़ी ट्राई कर लिया है, ऑनलाइन भी मैंने चेक कर लिया है, लेकिन कोई इसका ऐसे फिक्स नहीं मिला। यहाँ पर जो इसका लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन है उसमें भी यहाँ पर आप कुछ आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, करंट कीबोर्ड ही है वही आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वो यही है कि इसके ऊपर नंबर ही जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं। सो इस पर मैसेज या इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा, मैं कॉन्टेक्ट सेव करना चाह रहा था वो भी नहीं हो रहा है, और अक्सर अवकात ये होता है कि एक आध मैसेज होता है आपने उसका रिप्लाई करना होता है, सो वो इस फोन में पॉसिबल नहीं हुआ। सो ये कौन है इसका सबसे बड़ा। बाकी बैटरी लाइफ इसकी एक्सेप्टेबल है और परफॉर्मेंस तो नो डाउट बहुत ही अच्छी ये डिवाइस दे रहा है। सो अगर आपका बिल्कुल सिर्फ इतना सा काम है कि आपने इसमें सिम डालनी है और बाकी आपने पूरा इंटरनेट वहाँ पे यूज़ करना है दूसरी डिवाइस पे और इसके ऊपर ना एसएमएस ना कॉल्स इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है सो फिर ये डिवाइस बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपके इस पर कॉल एसएमएस वगैरह कुछ थोड़े बहुत होने होते हैं सो उसके लिए आपने फ़ोन नंबर सेव करना है इस तरह की कोई चीज़ तो वो इस पर पॉसिबल नहीं है, या हो सकता है ये मेरी भी गलती हो, उसके लिए मैं एडवांस में आप लोग से सॉरी करता हूँ अगर वो मेरी गलती है, लेकिन मैं 2-3 दिन इसके ऊपर रिसर्च करता रहा हूँ, मुझे ऐसा सच कोई ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली। बाकी इसका जो मेन मकसद है वो ये फ़ोन अच्छी तरह से पूरा कर रहा है, आपको इसमें बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छी बैटरी लाइफ और अच्छी जो है इंटरनेट परफॉर्मेंस मिल जाती है। सो अगर आपने सिर्फ उस मकसद के लिए लेना है सो गो फॉर इट और डेफिनेटली बाय दिस डिवाइस। अब बात करें अगर इस फ़ोन की प्राइस की, सो प्राइस इसकी अराउंड 6500 है और अगर आप यूज़ में लेते हैं कहीं से तो आपको मे बी 5000 या 5500 तक मिल जाए। सो ये काफ़ी अच्छा फिक्स है नॉन पीटीए डिवाइसेस के लिए और जैसा आजकल के पीटीए के हालात चल रहे हैं सो यही चीज़ें हैं, या इसमें कोई आपको पुरानी और तकी भी डिवाइस लेनी पड़ेगी जिसके ऊपर आपको गुजारा करना होगा, ये फ़िलहाल इसी से आप लोग काम चला सकते हैं। बाकी इसमें वो दूसरी इंटरनेट डिवाइसेस भी आती हैं जिसमें सिम डाल के आपके तमाम कॉल्स वगैरह फ़ोन पर होती हैं, वो अभी तक मैंने ट्राई नहीं की लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही उसको भी मैं ट्राई करूंगा और अगर इससे वो बेहतर ऑप्शन हुआ सो डेफिनेटली उसका मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि मैं ऐसे ट्राई कर चुका हूँ सो एक वो कीबोर्ड वाले इशू के अलावा इसमें और ऐसा मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। सो डेफिनेटली बाय दिस डिवाइस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और अगर आप बाय करना चाहते भी हैं सो नीचे मैं आपको उमर मोबाइल्स का नंबर दे दूंगा, अगर आप उनसे बाय करना चाहते हैं सो आपको वो प्रोवाइड भी कर देंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।